सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन तक हम लोगों का लेक्चर डिसकंटिन्यू रहा है। इसका रीज़न है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, अभी भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन क्लासेस भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको फिर हम लोग आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में आप लोगों का जोश थोड़ा सा कम हुआ है, हमने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि सामने 12 का एग्ज़ाम है और क्लासेस स्टार्ट होने के कोई चांसेस अभी भी नहीं दिख रहे हैं। एग्ज़ाम तो टाइम पर होना है, अगर आपका उत्साह मिलेगा तो हम लोग इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन किया था। अभी हम आपको बताएंगे फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था आपने कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट के घोल से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सबस्टांसेस डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं इलेक्ट्रोड्स पर, कैथोड पर और एनोड पर। ये जो फाराडेज लॉ है ये हमें रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास करते हैं और जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उन दोनों के बीच, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इसी दोनों के बीच रिलेशन को बताता है फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोगों ने लिखा है दिस लॉ एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड एंड द अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें दो लॉ है, पहला लॉ आइए देखते हैं, पहला लॉ है द अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस, द अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिसिस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ charged passed through electrolyte यह है फैराडेज का पहला लॉ जिसमें कहता है द अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस डेपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वैसे सबस्टांस जिसको मेल्ट करने पर या पानी में घोले जाने पर आयन में टूट जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं तो कैथोड और एनोड पर, इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, मास डिपॉजिट होगा, वो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज ज्यादा पास करेंगे तो अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, चार्ज कम पास करेंगे तो अमाउंट भी कम डिपॉजिट होगा। इफ डब्ल्यू ग्राम सबस्टांस deposited by Q Coulomb charge then अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस में क्यू कूलाम के बराबर चार्ज पास किया है और उससे जो अमाउंट मिला है हमें डब्ल्यू ग्राम, तब फैराडेस लॉ का कहना है कि ये जो अमाउंट है डब्ल्यू, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। जहां पर डब्ल्यू क्या है, अमाउंट है इन ग्राम जो डिपॉजिट हुआ है, और क्यू है चार्ज कूलाम्ब में जो हमने पास किया है, या डब्ल्यू बराबर जेड इंटू क्यू, या डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। यहां पर आई है करंट इन एम्पीयर, टी है टाइम इन सेकेंड, और यहां पर जेड क्या है, एक कॉन्स्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ECE
of the substance deposited यहाँ पर आई है करंट जो हमने पास किया एम्पियर में और टी है टाइम कितने टाइम तक पास किया जेड यहाँ पर एक कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसका तो उस सबस्टांस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलिसिस में डिपॉजिट हो रहा है अगर हम इस कांस्टेंट को डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जेड वो सबस्टांस का वो अमाउंट है जो डिपॉजिट होता है जब करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास करेंगे तो सबस्टांस का जितना अमाउंट या मास डिपॉजिट होगा वही मास उस सबस्टांस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है जेड इज डिफाइंड एज The amount deposited when a current of 1 ampere is passed. फॉर 1 सेकेंड या इसी को हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज से जितना पास होगा उसको हम जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे एक होता है केमिकल इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट जिसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और पहले से जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे वो इक्विवेलेंट वेट था जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते थे और उसी का उसको हम यहां पर केमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं जबकि जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यहां पर याद रखिएगा इफ ई इज केमिकल इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट जिसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं ऑफ सबस्टांस Then E बराबर Z into 96,500 यह है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z एंड केमिकल इक्विवेलेंट ई अब हम लोग
यहां पर से Z का वैल्यू अगर इक्वेशन वन में रख देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन वन we get W बराबर E into I into T by 96,500। यहां पर इक्वेशन वन में हम लोगों ने यहां से जेड का वैल्यू रख दिया। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू आई इंटू टी बाय भी इंटू 96,500। चूंकि एटॉमिक ए है एटॉमिक मास, ए है एटॉमिक मास और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, यहां भी है वैलेंसी। ये इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। यह है फाराडेज का फर्स्ट लॉ। फाराडेज का एक और भी लॉ है जिसको अभी हम लोग डिफाइन तो करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो कोई नया लॉ नहीं है, वो फर्स्ट लॉ का ही डेराइवेशन से आ जाता है। अगर सेकेंड लॉ डेराइव नहीं भी किया जाता तो फर्स्ट लॉ से ही सेकेंड लॉ का फॉर्मूला भी रिलेशन भी हम लोगों को मिल जाता, लेकिन चूंकि यहां इसको डिफाइन किया हुआ है इसलिए हम लोग फाराडेज का सेकेंड लॉ भी यहां डिफाइन करेंगे। फाराडेज का सेकेंड लॉ, इफ इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज द अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस डेपोजिटेड एट different electrodes
आर एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंस यह है फैराडे का सेकेंड लॉ, जिसमें कहता है अगर हम लोग कई अलग अलग सेल ले लें, उन सारे सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन वो सेल सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब अगर हम सेम क्वांटिटी चार्ज का उन सभी सेल के अंदर से पास करें, एक ही अमाउंट चार्ज का सारे सेल से पास हो रहा है, तो उन सेल में जो अलग अलग इलेक्ट्रोड में अलग अलग सबस्टांस डेपोजिट होगा, उन सबस्टांस का जो मास डेपोजिट होगा, उन मास का रेशियो उनके अपने केमिकल इक्विवेलेंट माने इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। इसको ऐसे देखिए, इफ डब्ल्यू वन ग्राम ऑफ सबस्टांस ए एंड डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ सबस्टांस बी आर डेपोजिटेड बाय सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देन डब्लू वन बाय डब्लू टू बराबर होगा E1 by E2। यही है फैराडे का सेकेंड लॉ। यहां पर E1 है A का केमिकल इक्विवेलेंट और E2 है B का केमिकल इक्विवेलेंट, वेयर E1 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए और E2 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। यह है फैराडे का सेकेंड लॉ। मेन फॉर्मूला हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, जिस पर बराबर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस 2 में भी, कंपिटिटिव लेवल में भी। जितने भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो सभी या तो इक्वेशन 2 से हम लोग बनाएंगे या फिर इक्वेशन 3 से। लेकिन हम कुछ आपको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए हमेशा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जैसा फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी नहीं होता, कई बार वो फंस जाता है।
और टाइम भी उसमें ज्यादा लगता है, इसलिए यहां हम कुछ शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आप इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप बना सकते हो। तो इसको आप याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्वेश्चन बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको याद रखने हैं। पहला, इन इलेक्ट्रोलिसिस याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी बात याद रखिएगा, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। यहां पर क्यू है चार्ज, इन कूलाम आई है करेंट, इन एम्पीयर टी है टाइम, इन सेकेंड। तीसरी बात, फाराडे जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, यह है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एक यूनिट तो कूलाम है ही, ये एक और यूनिट है चार्ज का फाराडे। वन फाराडे चार्ज कितना होता है? तो इट इज द चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन में टोटल जितना चार्ज है, चार्ज का वही अमाउंट वन फाराडे कहलाता है। वन फाराडे इज द चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए वन फाराडे बराबर लिख सकते हैं 1.60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम।
इंटू 6.023 इंटू 10^23। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकलेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.60 इंटू 10^-19 कूलम, और एक मोल हुआ 6.023 इंटू 10^23, गुना कर देंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकलेगा जो 1 फाराडे कहलाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो वैल्यू आता है 96487 487, जिसको राउंड फिगर में ले लिया जाता है 96,500 कूलम। यह दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस में किसी भी सबस्टांस का एक मोल अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए जो चार्ज खर्च होगा वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है, हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होने में ऑक्सीडेशन हुआ चाहे रिडक्शन हुआ, उस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा उतना ही फाराडे लगेगा एक मोल को डिपॉजिट होने के लिए। तो ये पॉइंट भी क्वेश्चन सॉल्व के लिए याद रखेंगे। फोर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ 1 मोल सबस्टांस चार्ज रिक्वायर्ड बराबर होगा 1 फाराडे इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये चौथा पॉइंट है जो याद रखना है। और सबसे वाइटल एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पांचवा, याद रखिएगा, एक्स फाराडे इक्विवेलेंट है एक्स मोल इलेक्ट्रॉन का। इक्विवेलेंट है एक्स ग्राम इक्विवेलेंट का। याद रखिएगा मोल कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है
मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। यहां देखिएगा जितना फाराडे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी का में उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन भी पास होता है और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट भी डिपॉजिट होगा। अगर हमने 5 फाराडे पास किया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना पास हुआ 5 मोल और ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होगा वो भी 5 के बराबर ही होगा। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के कुछ टिप्स हैं और वो जो इक्वेशन 2 और 3 है एंड ये जो टिप्स हैं ये सब मिलाकर के इलेक्ट्रोलिसिस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वो +2 लेवल के क्वेश्चन हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के, एक भी क्वेश्चन इससे एस्केप नहीं करेगा, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रोलिसिस में जो NCERT में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर NCERT में जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। इसको आप ठीक से पढ़ लें, इन टिप्स का फायदा आपको समझ में आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग समझ में आएगा। और फिर से एक बार हम बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे हिम्मत को बढ़ाने के लिए ताकि हम क्लास कंटिन्यू रख सकें, आप जितना ज़्यादा हो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।